जब बाहर भी आया ना वापस आया तो मैंने आके जराबे सिर्फ एक पोस्ट लगाई थी या का नाबुदवाइया का नाश्ता है, मुझे उस पे भी कॉल्स आई पुलिस की। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता ये कुरान की आयत है, नहीं यार वो आपको पता है कौन बोलता है, वो मतलब जो चीज मुझे कही जा रही थी ना वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोग गए थे एक बनी गला ना हम टिकटॉकर से मीटिंग थी इमरान खान से, वो जो मुझे जो कहा जा रहा था ना वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था। अब आप जो कह रहे हैं कि वो प्लानिंग की है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मैं कह यार ऐसी चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसी तो मैं सोच भी नहीं सकता, सोनी तो दूर की बात है। सोराब भाई मुझे ना इस पूरे टर्नओवर में पता ही नहीं चला कि पुलिस कौन है और कौन क्या है। एक लीडर है पाकिस्तान का, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और एक हमारे नेशनल हीरो भी हैं इमरान खान। अगर मैं उनको यार पसंद करता हूँ, मेरा सिर्फ यही जुर्म है और मेरा कोई गुनाह नहीं है। यहाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है, हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर बड़ी जानी पहचानी और पसंद की जाने वाली शख्सियत मुनीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सौरभ, कैसे हैं आप? ठीक है, हम फाइन, ठीक ठाक सर। आपको रमजान मुबारक हो, माशाल्लाह ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं आप। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो और सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। मुनीब भाई आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप क्या हैं? एंटरटेनर हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, एक डिसेंट कंटेंट बनाते हैं, अपने फैमिली कंटेंट होता है, तो आर्टिस्ट कह लें, पॉलिटिशियन तो नहीं है, बाकी एंटरटेनर है, आर्टिस्ट हैं, यही कुछ है। आप ज़ाहिर है एंटरटेनर और आर्टिस्ट वही होता है जो सबका एम्बेसडर होता है, जो किसी भी मुआशरे का मोहसिन होता है। लेकिन जो हमारे माशरे का आर्टिस्ट है, हमारा जो मुनीब खान साहब हैं, ये अचानक से पता चलता है कि ये मंजर से ही गायब हो गए हैं और इनके बारे में कोई इतलात नहीं है। ये सारा क्या हुआ आपके साथ? वो जरा वही सीन कुछ ऐसा हुआ था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वो जब पता चला ना कि वो 9 मई को खान साहब को अरेस्ट किया। मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली इमरान खान को बहुत लाइक करता हूँ, बहुत साल, तकरीबन 2009-10 तकरीबन तब से, तो मतलब ये कि नहीं कि हर जगह उनके होता है। मतलब मैं कुछ जलसे भी अटेंड किए, कुछ इस तरह के रैली शैलीज भी अटेंड की, और ये 9 मई को जब पता चला ना कि खान साहब अरेस्ट हुए हैं, तो वो जिस तरह मतलब वो इलीगल अरेस्ट था ना, मैं यही कहूँगा, मतलब उसके अंदर से, कोर्ट के अंदर से, तो मैं सारी, क्योंकि कॉल थी, तो मैं कह यार ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए यार कि हमारे पसंदीदा लीडर, कोई भी हो, किसी का भी पसंदीदा लीडर हो ना, उसको इस तरह से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ना प्रोटेस्ट के लिए निकले हम लोग इस तरह लिबर्टी में। तो अब सीन ये हुआ कि वो आगे का जो सारा सिनेरियो था वो तो किसी को भी आइडिया नहीं था ये होना है। तो बस उधर ये हुआ कि एक इंटरव्यू वाला आया, इंटरव्यू दिया कि यार मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ यहाँ पे, खान साहब को अरेस्ट किया इस तरह। तो वो बस इतनी सी गलती थी मेरी कि बस बोलने की गलती थी कि मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ, तो उस पर फिर मैं अरेस्ट हो गया था कुछ अर्सा बाद। आप कितने में अंदर रहे? मैं तकरीबन 5-6 दिन, कम 6 माह, तकरीबन 6 माह आप अंदर रहे। हाँ जी सर, शुरू से शुरू करते हैं। अब योर फर्स्ट रिएक्शन, आप सुबह उठ रहे हैं, सारे ज़ाहिर सुबह का वक्त था, और खान जिस तरह से कॉलर से पकड़कर खान को घसीटा जा रहा है, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने मोबाइल फोन के ऊपर ये सारी चीजें देखी? गुस्सा आया था। देखें आप, कोई भी शख्स इसको आप बहुत पसंद करते हैं, आप प्यार करते हैं, तो उसको ऐसे करेंगे तो बुरा तो लगेगा, गुस्सा तो आएगा। तो लेकिन वो गुस्सा भी मतलब ये है कि मुझे ये पता है यार मैं आप पाकिस्तानी पहले हूँ, बाकी किसी की भी जो पसंद नापसंद होती है वो बाद की बात होती है, लेकिन एक पाकिस्तानी होना, पाकिस्तानी शहरी होना, वो सबसे पहले होता है। तो आप जो प्रोटेस्ट होता है ना, एक पुरअमन एहतजाज होता है, वो हर पाकिस्तानी का आइनी और कानूनी हक है। तो उसके लिए हम लोग बाहर निकले थे कि यार प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सारा सी, अब वो जब मैं उधर गया ना, पहले मैं इधर बैरियर में रुका था, इधर थोड़ी देर खड़े हुए 5-10 मिनट, उसके बाद लिबर्टी चले गए, क्योंकि उधर सुना था कि काफी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो लिबर्टी चले गए। अब लिबर्टी से कुछ लोग ना वो कह रहे थे कि यार थोड़ा आगे चलते हैं, आगे ना उधर जाके एहतजाज करते हैं, तो हम रैली के साथ चले। मैं वहां तक गया था, ये जो शेरपा ब्रिज है वहां तक, अब उधर तक गए, तो तब तकरीबन शाम हो गई थी ना, अंधेरा हो रहा था। तो वहां पे वो इंटरव्यू भी हुआ था मेरा, एक देख दो इंटरव्यू हो गए। अब वो इंटरव्यू थोड़ा सा मेरा जरा ज्यादा जज्बाती भी था, थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ना मतलब उस टाइम के मुताबिक तो नहीं, लेकिन वो जब रात को चीजें सारी देखी कि यार ये आगे तो ये कुछ हुआ हुआ है, बहुत कुछ, तो उस सिचुएशन में ना फिर मैंने उस चीज की अपोलोजाइज भी की। वो शायद आपने देखी हो वीडियो कि यार ये मेरा जो बयान था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि चीजें बाद में आगे ये हो रही हैं। मतलब हम तो एक अपना एक पुरअमन एहतजाज कर रहा हूँ मैं, और देखिए अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा आगे या कोई तोड़ फोड़ या इस तरह का कोई इंतजार करना होता, तो मैं जानता हूँ यार मुझे लाखों करोड़ों लोग जानते हैं पाकिस्तान में, मैं अपना ऐसे ही फेस के साथ ओपनली हंसी खुशी में जा रहा हूँ, तो मैं कोई फेस कवर करता, कोई इस तरह करता, बैक एंड पे कुछ रहता। तो पहले आइडिया नहीं था मुझे कि यार ये मुझे क्या, किसी तो पाकिस्तानी को आइडिया नहीं था। अच्छा मुनीब साहब ये बताएं कि क्या अब जाहिर है आप वहां पर मौजूद थे, आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप सारे मामलात को समझते हैं, आप सोशल मीडिया को भी अंडरस्टैंड करते हैं, सर क्या उस प्रोटेस्ट के अंदर कैसे ऐसे शरपसंद मौजूद थे जो लोगों को उकसा रहे थे कि कोर कमांडर हाउस की तरफ चलें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की तरफ चलें? अब जो उधर मैंने जो सुना था वहां पे तो मतलब कैंट वाली साइड पे कह रहे थे कि यार उधर चलना है, वो कैंट में उधर इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना है। और मुझे जहां तक याद है पहले ये डीएचए वाली उस साइड पे भी पीटीआई एहतजाज करती रही है। तो मेरा जो वैसे पर्सनल प्लान था ना, मैंने तो यहाँ से वो पकड़े हुए थे गोर में से सैंडविच और बोतल शोतल पकड़ी थी, मैंने कहा रात उधर ही रुकना है क्योंकि खान साहब का ना छुड़वा के ही आएंगे। तो उधर तक तो मैंने सुना था, लेकिन ये स्पेसिफिक कोई कोर कमांडर हाउस जाना है या ये मैंने तो नहीं सुना किसी से। मैं कैंट तक सुन रहा था कि यार कि कुछ लोग आ रहे थे और वो रैंडम ही थे, मतलब मैं पर्सनली जानता उनको, वो आने उनके आगे चलो आगे चलो, मतलब लेकिन कुछ लोग फोर्सली इस तरह लेके जा रहे थे वहां पे, इतना मुझे आइडिया है। फोर्सली लेके जा रहे थे, फोर्सली कह लें या मतलब चलते हैं उधर ही चलते हैं, आज उधर ही जाके गेम इकट्ठे हो, ऐसा कुछ था सही वहां पे। देन सर आप खाते पीते घर से मुराद ये है कि बड़ी अच्छी आपकी जिंदगी है माशाल्लाह, हमने चूंकि सोशल मीडिया पर आपकी जिंदगी देखी है, देन आप गिरफ्तार होते हैं, आप जेल के अंदर चले जाते हैं, जेल क्या कैसा था? जेल ना जरा भाई, पहले तो मतलब यहाँ पे जब इन्होंने अरेस्ट किया था मुझे ये 4-5 दिन तो घूमते रहे, लेकिन इन्होंने मतलब 3-4-5 दिन बाद इन्होंने मुझे पेश किया था अदालत में। तब तक वो आपको आइडिया होगा चीजों का। तो जब वो उधर किया, जब फर्स्ट टाइम मैं जेल एंट्री, पहले तो बड़ा वो हवालात में जाने बड़ा अजीब लगा, तो कोई लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कभी पुलिस स्टेशन तक नहीं गया था, तो बहुत अजीब एक्सपीरियंस था। लेकिन खैर वो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, जब फर्स्ट टाइम मैंने इन्होंने वो हाथकड़ी लगाई ना, तो बड़ी शर्मिंदगी, मैं कह यार ये मैं कैसे कभी सोचा ही नहीं था ऐसे। तो वो बाद में फिर ऐसा चीजें फील होती रही यार कि नहीं, वो हर बंदा जिसको हाथकड़ी लगी हो वो मुजरिम नहीं होता यार। तो अब जब जेल का था ना सर, अब भाई जेल में, और वो भी बड़ा बैड एक्सपीरियंस था जब इन्होंने मुझे एटीसी पेश किया, वो कपड़ा पहना के ना ऊपर, मैं कह यार ऐसे जाने तो मैंने क्या करना है, वो वैसे भी नहीं, वो शनाख्त करनी है आपकी। मैं कह यार किस चीज की शनाख्त करनी है, मुझे सारे तो जानते हैं, कौन आप सारे भी जानते हो। और जो पुलिस वाले मतलब मुझे उधर से अरेस्ट भी किया, जिन्होंने वो हवालात में रखा या पेश किया, वो सारे बड़ा फ्रेंडली माहौल में थे मेरे साथ, पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, और फिर भी मास्क पहनाया, भाई यार किससे छुपा रहे हो आप लोगों ने, बाद में शनाख्त करनी है आके। तो खैर अब वो जेल का जो शराबी एक्सपीरियंस था ना, एंटर हुआ ना, तो अब मुझे क्योंकि थोड़ा सा ये अल्लाह की तरफ से था, होता है कि अल्लाह ने इज्जत दी हुई थी, लोग जानते थे वहां पे जेल में, हालांकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने यही सुना था कि जेल की जो लाइफ होती है ना वो बिल्कुल बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मुझे था, मैं कहा यार यहाँ पे कौन टिकटॉक यूट्यूब ये चीजें देखता होगा वहां पे, लेकिन वो खैर जानते थे। तो मुझे उस लेवल का मेरा इस्तकबाल नहीं हुआ जो जैसा नॉर्मली जेल में करते हैं, लेकिन बाकी ओवरऑल तो था। मैं जब गया ना तो फर्स्ट मैं इस तरह आगे एंटर हो रहा हूँ जब जेल, तो वो जो चक्की होती है तो भाई वो तकरीबन कोई 10 बाय 10 फुट की होती है, पता नहीं 8 बाय 15 फुट ऐसी कुछ छोटी सी थी, मतलब वो हमारा स्टोर टाइप ही होता है वैसा उसका। तो उसके अब मैं बाहर खड़ा और मैं देख रहा हूँ यार कि मैं अल्लाह ने कितनी इज्जत दी, कितने कंट्रीज घूमा, कहाँ कहाँ सारा पाकिस्तान जानता है, और मैं देखो इसके अंदर मैंने अब जाना है, मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पा रहा। तो अब बड़ा हो रहा है यार, मैंने पता नहीं कौन सा कोई गुनाह किया है, फिर मैं कहूँ यार जिस जुर्म में आया हूँ वो तो मैंने किया नहीं है, और ये कोई ऐसा भी गुनाह भी नहीं किया। तो मैं कहा फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश हो गई यार, फिर इतना परेशान क्यों होना है, इसको दलेरी से काटते हैं, खुशी से काटते हैं। तो बस उसके 1-2 लोग मिले वहां पे, जिन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया कि यार इस तरह से ऐसे जेल ऐसे कटेगी ये वो, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है कब जाते हो। मुझे वैसे था कि यार रोटी छोटी टाइम पे मिलती है, रोटी, हाँ रोटी टाइम पे मिलती थी। रोटी तो पहले दिन तो मैंने देखा नहीं, मैं जब आए थे वो चने थे और पता नहीं वो अजीब सी रोटी थी, तो मैं कहा, यार ये कैसे खाऊंगा, पानी पानी सारा। लेकिन जरा भाई खाना ना कुछ अरसे बाद बहुत बेहतर कर दिया था जेल वालों ने, मतलब स्टार्ट से। सर 5-6 माह एक बड़ा लंबा टाइम है, मोबाइल फोन के बगैर, दोस्तों के बगैर, फैमिली के बगैर। कोई ऐसी चीज जो जेल के अंदर आपने नोट की होगी यार ये ना बड़ी हटकर है, इसने मुझे जिंदगी सिखा दी? जेल सबसे एक तो आपको जो फैमिली वैल्यूज होती है ना वो पता चलती हैं, कि हर रिश्ते की वैल्यू पता चलती है, कि कौन आपके साथ कितना सिंसेर है, कौन आपका कितना अपना है। और सब्र बहुत सिखाता है जेल। आपकी ये अना मैं अगर थोड़ी बहुत किसी में वायत होती है ना तो वो खत्म हो जाती है, मिट जाती है वहां पे जेल में। क्योंकि देखें वो आपको उधर कोई भी इस तरह के आम पुलिस वाला भी है, उसने तू तड़ाक इस तरह करके, और वो जान के करते हैं कि आपकी जो ये कोई अकड़ उकड़ है ना जेल में, क्योंकि जेल एक वैसे भी दर्सगाह होती है, एक यूनिवर्सिटी होती है, तो वहां से आपने बहुत कुछ सीखना होता है। अगर आप वही अपने रवैये वैसे ही रखते हैं तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत सख्ती तो होनी भी चाहिए जेल में। आपके ऊपर कोई दबाव था उस दौरान? किस तरह का दबाव? कोई कन्फेशन करवाना हो, कोई स्टेटमेंट दिलवानी हो? वो कन्फेशन बस था, लेकिन वो मतलब जो चीज मुझे कही जा रही थी ना वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स सपोज अगर मुझे हम लोग गए थे एक बनी गाला ना, हम टिकटॉकर से मीटिंग थी इमरान खान से। अब वो एक बिल्कुल जनरल मीटिंग थी ना, लाइक जिस के टिकटॉक खान साहब की गवर्नमेंट में ना टिकटॉक बैन हुआ था, तो मैंने, मुझे याद है तब मैंने खान साहब से ना कहा था, खान साहब आपने ना, आप सोशल मीडिया को इतना प्रमोट भी करते हैं और आपने अपने गवर्नमेंट में 2 दफा टिकटॉक को बैन कर दिया था। तो मतलब उधर इस टाइप की बातें हो रही थी कि टिकटॉक फ्यूचर में सोशल मीडिया को कैसे मतलब लेके चलना है हमें, इससे बेहतरी कैसे ला सकते हैं इनमें, इसको हम मजीद कैसे कर सकते हैं। तो अब वो जो मुझे जो कहा जा रहा था ना वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था, कि आपने वो प्लानिंग की इस तरह की। मैं कहा यार किस तरह की प्लानिंग की, कोई प्लानिंग नहीं। और ये बात जेन्युइन, मैं अभी एक लाजमी कोट करूंगा कि उस मीटिंग में भी ना खान साहब ने ये जो कहा, मुझे कहा जा रहा था ना उससे रिलेट कर रहा हूँ बात, कि यार पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी ना आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी जी, उसके बाद मैं हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पाक आर्मी, और फिर आपकी जो भी पसंद है, आपका जो भी लीडर है। अब मैं क्या मेरे से क्या बाकी सबसे पूछते, उन्होंने ये इस टाइप की बातें की थी। अब आप जो कह रहे हैं कि वो प्लानिंग की है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मैं क्या यार ऐसी चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी तो मैं सोच भी नहीं सकता, सोनी तो दूर की बात है। तो मैं कह यार ये जो चीज नहीं है ना वो स्टेटमेंट तो मैं नहीं दूंगा। बाकी नहीं, वैसे ये इंसिस्ट किया जा रहा था कि ऐसी स्टेटमेंट दी, या फिर खाली एक सवाल आपके सामने पुट ऑन किया गया, एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि शायद वहां पर ऐसी डिस्कशन हुई होगी? नहीं, इंसिस्ट नहीं किया गया, मतलब ऐसा कि बहुत ज्यादा फोर्स नहीं, लेकिन कह रहे थे कि मतलब कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब अजीब अजीब बातें नहीं होती कि इतना अरसा रहोगे ये वो, मतलब इस टाइप के कुछ होता था। और ये पुलिस, मतलब वो पुलिस ही थी जो कर रही थी या बाकी इदारों के लोग थे? ज़राब भाई मुझे ना इस पूरे टेन्योर में पता नहीं चला कि पुलिस कौन है और कौन क्या है, क्योंकि पुलिस की एक स्टेटमेंट होती थी वो मुझे ना बहुत अजीब लगती थी। और मुझे देखिए वो पुलिस वाले हमारे भाई हैं, मेरे बहुत फैंस भी थे मोस्टली, और मैं उनसे बड़े प्यार से बात, लेकिन मुझे ना उनकी ये स्टेटमेंट जो थी ना कि यार हम मजबूर हैं, ये वो कर रहे हैं, वो यार वो कौन कर रहे हैं, आपने हमें पकड़ा है, हमारे घरों में आप एंटर हो रहे हो, हमें हथकड़ियां लगा के घसीट आप ये 4-4 घंटे धूप में वैन खड़ी करके, क्योंकि मैं जब अरेस्ट हुआ मैं था भी अकेला, बाकी तो नॉर्मली ग्रुप शिप होते थे, तो वो अकेले को मुझे 4-4 घंटे ये जो धूप में वैन खड़ी की हुई है आपने बंद करके, मुझे मेरा सारा पसीने से भरा हुआ है, ये कौन कर रहा है यार, ये आप लोगों ने किया हुआ है, आप हर चीज वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये चीज मुझे तो आज तक नहीं समझ आई जी, वो कौन है जो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये कर रहे हैं उनके कहने पे। और जो आपसे तफ्तीश कर रहे थे वो पुलिस थी, वर्दी में थे, बजाय पुलिस वाले को तो आप जानते हैं, पुलिस वाले की शक्ल भी हम पहचानते हैं, पुलिस वाले की बॉडी लैंग्वेज भी हम जानते हैं। तफ्तीश वो ऐसे वो स्टार्ट में थे, क्योंकि मैं ये 9 मई के बाद 2 माह बाद अरेस्ट हुआ था ऑलमोस्ट, तो तफ्तीश तो वैसे, क्योंकि देखें इनको ना आइडिया भी था, क्योंकि 2 चीजों पर इन्होंने गिरफ्तारियां की थी। एक तो जियो फेंसिंग थी, आपको आइडिया है, अब मैं क्योंकि उस तरफ नहीं था वहां पे, तो मैं ही तो किसी जियो फेंसिंग में कुछ भी नहीं था मैं, मुझे सिर्फ इन्होंने वो एक इंटरव्यू बेस पे उठाया था इनके कुछ के मुताबिक कि यार वो आपका इंटरव्यू। मैं कहा यार इंटरव्यू तो पता नहीं कहाँ का है और उसमें मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें आप वो स्टेटमेंट दे रहे हो। मैं कहा यार उस स्टेटमेंट की तो मैंने अपॉलोजाइज कर ली है कि अगर मेरा थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट लगा किसी को तो कर लिया, बाकी जो प्रोटेस्ट है वो तो मेरा हक है यार करना पूरा मन। हाँ मेरा अगर कुछ ऐसा है तो फिर तो छोड़ो ये एफआईआर, फिर तो सीधा लटकाओ यार, अगर कुछ मैंने कुछ इस तरह का इंतजार कर दिया है तो बस वो समझ नहीं आती थी कि मैं कि मतलब क्या डाल का हुआ कि अब ना मेरी जियो फेंसिंग है ना मेरा कोई और प्रूफ है। मैं कह यार मेरी एक वीडियो आप ये निकाल के लाए हो, मैंने तो उधर कोई 1000 वीडियोस बनाई हैं लोगों के साथ, मेरी सारी वीडियोस निकालें, किसी एक में कोई छड़ी डंडा कुछ साबित कर दें, मुझे जो सजा देनी है दे दें यार। आप पर कोई तशद्दुद, कोई मुक्का मारा हो, थप्पड़ मारा हो, कोई छोटा छोटा चला हो, कुछ चला? नहीं ऐसा नहीं। कॉलर एक दफा इस तरह किसी ने पकड़ा था, धक्का मारा था, थप्पड़ मुक्का ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। कुछ के रवैये बहुत गलत थे, मोस्टली अच्छे थे, लेकिन कुछ के बहुत ही मतलब वो गाली गलोच वाले थे। अजीब था लेकिन कोई नहीं, सह गए, बर्दाश्त कर गए। अच्छा सर ये जो बाकी आपके साथी थे, जाहिर कैदी थे 9 मई के हवाले से, उनके साथ भी यही रवैया था या थोड़ा मुख्तलिफ था? जाहिर आप सर एक थोड़ी सी प्रिविलेज शख्सियत हैं, आपको जानते हैं लोग, पहचानते हैं, तो बाकियों के साथ भी रवैया ऐसा ही था? मैंने एक चीज कहना चाहूंगा, मैं जब उधर अब मैं ना जब अरेस्ट हुआ ना तो मैं कह यार मुझे एक ना इंटरव्यू, मैंने वो लिबर्टी से आगे थोड़ा सा मतलब उधर गया भी नहीं हूँ मैं, और एक इंटरव्यू दिया मैंने कि मैं मतलब शो कर रहा हूँ कि मैं प्रोटेस्ट में हूँ, बस ये चीज। अब ना मैं कह यार बेकसूर हूँ मैं, मुझे इन्होंने पकड़ लिया, अब जेल में जाऊंगा तो हर बंदा है जिन्होंने पता नहीं क्या कुछ करके आया, मैं तोड़ फोड़ ये वो की हुई है उन्होंने, तो वो तो गलत है। अब मैं जब जरा भाई गया हूँ ना जेल में, तो कुछ दिन गुजारे हैं, उन सबसे बातें हुई हैं, तो मैं कह यार इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा कसूरवार मैं हूँ, मैं कम से कम, वो तो बेचारे कहीं तो गुजर रहे हैं, कहीं तो ऐसे तो लिंक ही नहीं है उनका, मतलब मैं कह यार कम से कम एटलीस्ट उन बंदों को जो कहीं ना कहीं पीटीए से कोई उनके कारकुन है, ये तो जिनकी कोई जरा सी मोहब्बत है ना खान से, या वैसे बेचारे कोई कुछ ऐसे थे जो सिर्फ गुजर रहे थे वहां से। लेकिन ये है कि अब जो गुजर भी रहा है यार, अगर उसको इमरान खान पसंद है तो उसकी डीपी देख ली आपने, तो आपने उसको भी डाल दिया यार 9 मई में, सोशल मीडिया पर डीपी देख ली, उस पर भी उठा लिया। हाँ ये उस पर भी करते रहे क्रैकडाउन। सर ये इस सारे प्रोसेस में आपके पैसे कितने लगे? सौरभ भाई ये जो थे ना पीटीआई के जो लॉयर्स थे, इंसाफ लॉयर्स थे, इसमें मलिक परवेज थे, सलमान शाहिद था, यूसुफ वगैरह, तो ये तो बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब इनका अगर मैं पर्सनली कहूँ ये तो बहुत अच्छा वर्कर को ट्रीट कर, वो जिन्होंने कुछ प्राइवेट लॉयर्स किए हुए थे ना वो बहुत पैसा खा रहे थे, मतलब सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उधर बाकी भी जो लोग कैदी थे। अब एग्जैक्ट तो मुझे ऐसे नहीं याद, लेकिन काफी लग गया, मैं उसको डबल इस तरह नुकसान कंसीडर करूंगा कि एक तो पैसे थे जो हमारे हाथ से लग गए, दूसरा वो सीन था जो ये 6 माह में मैंने जो कमाना था ना मेरा वो भी लॉस है, क्योंकि मेरे सारे सोशल मीडिया बंद है, मेरा फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब सब बंद है, और ये सारे आपको पता है कि वो अर्निंग सोर्स होते हैं। और तीसरा लॉस ये है कि पूरी कौम इन सारी चीजों से महरूम रही, और जाहिर है लोग आपको देखते हैं, मानते हैं। सर ये थाने में या बाकी आगे पीछे पुलिस वालों ने भी पैसे खाए? देखिए मेरे से तो हाँ बाकियों से मुझे आइडिया है चीजों का, क्योंकि मैंने ये सिस्टम को इतना क्लोज से पहले ना कभी देखा था, हाँ सुना हुआ था, इस तरह पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। तो बाकियों से कहा मुझसे इसलिए नहीं वो करते थे क्योंकि उनको पता है यार ये थोड़ा सा मीडिया का बंदा है, तो मेरे से ना जरा वो इस चीजों से थोड़ा अवॉइड ही करते थे, मतलब एक दो दफा अगर मैंने चेक करने के लिए भी कहा ना तो वो मेरे से कुछ नहीं ऐसा करते थे। अच्छा सर ये आपसे किसी इदारे ने भी कांटेक्ट किया, किसी इदारे ने रब्ता किया? नहीं इदारे ने तो ऐसा कुछ नहीं, पहले नहीं इदारों से नहीं हुआ था। अब यार मुझे आइडिया नहीं है चीजों का, क्योंकि मेरा कभी वैसे भी कोई इनसे इंटरेक्शन रहा नहीं है, तो कोई इतने बहुत अच्छे लिंक्स नहीं ऐसे, क्योंकि मेरा काम भी नहीं है ना मेरा पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ ना उससे। मैं तो एक वो देखे बीइंग पाकिस्तानी, एक लीडर है पाकिस्तान का, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और एक हमारे नेशनल हीरो भी हैं इमरान खान, अगर मैं उनको यार पसंद करता हूँ मेरा सिर्फ यही जुर्म है, और मेरा कोई गुनाह नहीं है यहाँ पे। वन लास्ट कमेंट कीजिएगा, खान अभी जेल में है सर और कोई बड़ी लंबी सजाएं भी इमरान खान को होगी, 200 मुकदमा। तो मुनीब जो आप इतना टाइम गुजार कर आए, फैमिली उस सारे माहौल से गुजरी है, आज मुनीब क्या कहता है? खान को आज भी आप लीडर मानते हैं? आज भी आप खान के साथ खड़े? खान को लीडर, मैं मेरे मानने से उसको पूरी दुनिया लीडर मानती है अब तो मेरा तो देखे, मेरी तो पसंद पहली और आखिरी चॉइस इमरान खान ही है ये पाकिस्तान में। और दूसरी बात, फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया और वो थोड़ा सा मुझे बल्कि इवन कहते हुए थे यार तो अपना सपोर्ट किया करो, वोट दिया करो, लेकिन इतना आगे आगे मैं क्या आगे आगे मैं कब होता हूँ यार, किसी को पसंद करना है ये इवन के ये मैं जब बाहर भी आया ना, वापस आया तो मैंने आके रबी सिर्फ एक पोस्ट लगाई थी या का नाबुदो या का नस्ता है, मुझे उस पर भी कॉल्स आई पुलिस के कि यार आप ये देखो आप फिर वीडियो लगा। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता ये कुरान की आयत है, नहीं यार वो आपको पता है कौन बोलता है। मैं कहा यार वो जो भी बोलता है आयत लिख रहा हूँ यार मैं, इस पे अगर आपने उठाना तो उठा के ले जाओ भाई, फिर आप तो वहां कुछ नहीं कर सकता। यानी एक सीरियस कॉल थी कि भाई ये भी डिलीट करें। हाँ, लेकिन अब मैं सुराबी क्यों करूँ कल को, मतलब नाउज बिल्ला कि हमें हमें आप खुदा मान लो तो क्या मान लेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना, एक लिमिट तक चीजें होती हैं। ठीक है जो कुछ चीजें हैं वो आप समझते हैं, मानते भी हैं, बाकी आप हर चीजों पर अगर इस तरह करेंगे यार ये छोड़ दो वो छोड़ दो तो यार चुप करके बैठे, इतना तो जीने का हक दो यार। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।